आज पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दुर्घटनाओं से प्रेरित होकर के भाजपा की सरकार ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उन्हें जेल भेज रही है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये परंपरा डाल रही है, शायद उसको इस बात का भ्रम है कि वो सत्ता से कभी हटेंगे नहीं। राजनीति में गलत परंपरा, कभी कभी राजनीतिक परंपरा स्थापित करने वाले के लिए भी उस त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ता है। और जिस तरीके से आज हजारों नौजवानों की जिंदगी फर्जी मुकदमा लगा करके सरकार बर्बाद कर रही है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं घोर भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से भाजपा सरकार खत्म करने पर तुली है, ये उसकी गंदी सोच को जाहिर करती है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि सतीश शर्मा जो बीजेपी के मंत्री हैं शिवलिंग पर हाथ धुल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप पार्टी, किस तरह से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई, हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसी प्रकार से धर्म की भी मार्केटिंग करते हैं। इनका धर्म से कोई आस्था नहीं है, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों के आंख में धूल झोंकने में ये माहिर है और इसीलिए इनके लिए कोई मर्यादा माने नहीं रखती, इनके लिए आस्था भी माने नहीं रखती, इनके लिए भगवान भी माने नहीं रखते। ये केवल हर चीज की मार्केटिंग करके झूठी बाबा ही लूटने के फिराक में रहते हैं। और उसी के तहत जिस शर्मा जी की आपने हवाला दिया है, वो शिवलिंग पर हाथ धोने का जो कृत्य है, वो उसी क्रम में वो भी उनकी एक घटिया सोच है और घटिया उनका कृत्य। आज 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार कई करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, रोजगार तो मिला नहीं। अलबत्ते जिन सरकारी संस्थानों विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, आजादी के बाद भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जो उन सरकारी विभागों को औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले बेच रही है। ये भाजपा सरकार देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया। यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग एम्प्लॉई हैं, जो लाभ में चल रही थी उसको भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जितने भी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचा है, वो सभी विभाग लाभ वाले विभाग हैं, कोई घाटे विभाग नहीं था। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये भाजपा सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को मालामाल करने में जुटी हुई है, देश के नौजवानों को कंगाल बना रही है, बेरोजगार बना रही है, सरकारी नौकरी छीन रही है। तो जो जो G20 है वो भी एक तरह से देश की जनता के आग में धूल झोंकना, नौजवानों के साथ छलावा दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे तमिलनाडु के, तमिलनाडु के मंत्री हैं उदय निधि, उन्होंने तो कहा बीमारी है सनातन धर्म और उसको जो है कोरोना की तरह से इसको भी खत्म करना होगा। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आग में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है, तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। सुखपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेंगे चुनाव के बाद। अब
शिवपाल यादव जी राजनीति के बहुत माहिर और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिक भी हैं, नेता भी हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। किसी के हवा में बयान देने से ना तो शिवपाल यादव जी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है, ना समाजवादी पार्टी को कोई चिंता होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव जी पर भरोसा भी है और ऐसे दमदार नेता के प्रति सबकी सबका अपना व्यक्तिगत लगाव भी है, तो स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर बड़े नेता हैं, उनके विषय में इस प्रकार का हल्का बयान देना हम समझते हैं घटिया मानसिकता के लोगों की। घोसी चुनाव की ऊपर घोसी चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। देखिए, पहले भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ विजय परचम लहराया था, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीत हासिल करेगा। अमित शाह ने कहा है कि इंडिया जो बना है सनातन धर्म के विपक्ष में, विरोध में। अब चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि जो कुछ भी बोले वही सही है। और अगर उन्होंने एनडीए गठबंधन बनाया तो किससे पूछी बनाया था? विपक्षी पार्टियों ने अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो क्या माननीय गृहमंत्री भारत सरकार की उस पर मोहर लगवानी जरूरी है क्या? क्या भाजपा से पूछ के हम अपना गठबंधन बनाएंगे क्या? भाजपा हमारी सलाहकार नहीं है और भाजपा के सलाह पर हम अपना कोई राजनीतिक फैसला नहीं करते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों की आम सहमति से इंडिया गठबंधन बना है और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा की हवा खराब है। आज हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और यही कारण है कि हताशा निराशा की शिकार भाजपा इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और तरह तरह के तंज इंडिया तथा विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं। वो जितना तंज कसेंगे, जितना इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, इंडिया गुणात्मक ढंग से और मजबूती के साथ भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया कहां पर खड़ा दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। आज पूरे देश में जहां नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, वहीं महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते